हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आज अभी मैं अपनी छत पे हूँ। देख सकते हैं, ये मेरा घर की छत है। सो मैं यहाँ पे हूँ और गाइस बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि 5 महीने से मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। सो अब जाके वो दिन आया है, आज से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और 2 दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस, एक तो रीज़न था कि स्टूडियो हमारा बन रहा था, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था और काम काम काम, तो एक वो रीज़न था। और कुछ रीज़न और थे गाइस, मतलब कुछ चीज़ें हुई थी मेरी लाइफ में जिनसे मतलब बहुत ही अलग इम्पेक्ट पड़ा मेरी लाइफ में, और मेंटली मैं काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। और चीज़ें हुई थी मतलब, तो मैं बाद में कभी बताऊँगा। बस आज से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और बढ़िया स्टार्ट करते हैं और करते हैं गाइस आज से ख़तरनाक शुरुआत। और अभी मैं मस्त नहा धो के तैयार होके साइकिलिंग करके आ गया हूँ और अभी मैं छत पे हूँ, योगा करने आया हूँ। तो शानदार शुरुआत करते हैं, योगा करते हैं। और गाइस, कभी मुझे वक्त मिलेगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या सीन हुआ था मेरे साथ और क्यों सब चीज़ें रुक गई थी मेरी प्रैक्टिस, मेरा यूट्यूब, मेरा ब्लॉगिंग, हर चीज़ रुक गई थी। और काफ़ी मैं मतलब मैं नेगेटिव हो गया था और मैं एंजाइटी और डिप्रेशन तक मैं पहुंचने वाला था, बट मैं बच गया। सो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का वापस से सपोर्ट चाहिए। और बस बताऊँगा मैं कि हुआ क्या था मेरे साथ। बस आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ आज से। सो सबसे पहले योगा करते हैं। नमामि शमीशाद निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निर्विकल्पं। तो गाइस, योगा हो चुका है और मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बस आज थोड़ा सा फील हुआ कि पहले से बॉडी कमज़ोर है और गाइस आज मेरा हैंड स्टैंड भी मतलब बहुत लो आ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा खुद के ऊपर, फिर जाके पहले ऐसी ताकत आएगी। सो करते हैं गाइस, और अब सेटअप जमाते हैं और चलते हैं नीचे, पूजा करनी है अभी। तो गाइस, अभी मैं जस्ट पूजा करके आया हूँ और अभी मैं देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि नाश्ते में क्या लेता हूँ। तो गाइस देखिए, ये है कुछ स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स। सो ये मेरा नाश्ता होता है। सो करते हैं नाश्ता करते हैं। और गाइस टाइम भी हो रहा है, देखिए 9:38 हो चुके हैं और क्लास भी चल रहे हैं। सो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी मैं रेडी होता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 9:54 और क्लास चलना है। सो होते हैं स्पीड से रेडी। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने आज नई सेट डाली है क्योंकि गाइस आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है वापस से। सो ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और चलते हैं गाइस क्लास पे, क्योंकि आज हम लोगों को काफ़ी सारे काम हैं, 10 बज चुके हैं। सो सबसे पहले खाना खाते हैं क्योंकि मम्मी बुला रही हैं खाने के लिए, और फिर चलते हैं क्लास। तो गाइस अभी मैं ऊपर आ गया हूँ मम्मी के पास, देखिए मम्मी खाना बना रही हैं और खाने मम्मी ने बनाया है तुरैया की सब्जी और रोटी। तो खाते हैं स्पीड से और चलते हैं क्लास फिर। तो गाइस खाना हो चुका है और अब चलते हैं स्पीड से क्लास, और देखिए मैंने एक वीडियो भी ख़त्म कर ली। Thank you.
तो गाइस हम अभी क्लास पे पहुंच चुके हैं और आज मैं आप सभी को अपना नया स्टूडियो दिखाऊंगा गाइस। ये मेरा 6 साल का सपना था जो कि बहुत जल्द पूरा आना जाने हो रहा है। तो चलते हैं गाइस ऊपर क्लास पे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्टूडियो। शायद लाइट नहीं आ रही है, देखते हैं। तो गाइस अभी मैं स्टूडियो के अंदर आ चुका हूँ और गाइस अभी लाइट नहीं आ रही है, सो लाइट आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक हम लोग एक अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो का एक नया स्पीकर आया है, तो देखिए गाइस ये है। सो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। खोलो इसको अनुराग, करो स्पीड से। तो गाइस ये है हमारा न्यू स्पीकर। ये मेरे पास पहले भी था और काफी अच्छा है। गाइस तो अभी हमारे नए स्टूडियो में शूट हो रहा है सर का, तो आपको बताते हैं कैसे होता है शूट, देखते हैं। अभी हो रहे हैं 4:38 देखिए, और क्लास में बैच चल रहा है और हम लोगों का दोपहर का खाना देखिए अभी हो रहा है। हम और राजन रह गए थे तो अभी खाना खा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोगों का खाना हो चुका है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं 5 बजे वाले बैच में, देखते हैं क्या कर रहे हैं सभी। अरे थैंक यू भैया। तो गाइस देखिए जिम चल रही है, आप जिम भी आ सकते हैं। शाम को 5 बजे जिम खुल जाती है और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता डांस क्लास के लिए सेकंड हॉल है। वही चल रहा है डांसिंग का बैच, लेडीज का बैच चल रहा है। तो गाइस अभी मैं क्लास पे हूँ और देखिए गाइस ये लास्ट बैच है हमारा बॉयज का, ये शाम को 6-7 लगता है। और गाइस अभी वक्त हो चुका है देखिए 7:11। सो आज की क्लास गाइस यहीं पे ख़त्म होती है। और कैसा लगा तुम लोगों को? बाकी कल मिलते हैं अपन लोग, कल की तो छुट्टी है ना। कल संडे कल की छुट्टी है गाइस। हाँ कल शूट है अपन लोगों का। तो गाइज मैं कल प्रॉपर तरीके से आपको पूरे स्टूडियो का टूर कराऊंगा। वैसे आधा से ज़्यादा स्टूडियो तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बट मैं सब कुछ दिखाऊंगा, मतलब क्या है अंदर बाहर हर एक चीज़ दिखाऊंगा मैं। सो कल अपन स्टूडियो देखेंगे और अभी चलते हैं घर पे क्योंकि बैटरी बहुत लो है और ब्लॉगिंग अगर थोड़ा और करेंगे तो स्विच ऑफ हो सकता है फ़ोन। चलते हैं सीधे घर पे और मिलते हैं नाइट घर पे। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और गाइस देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है, रात के 11:19। गाइस क्या हुआ आज कि आज मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हुई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया शाम को 7:30 बजे, मतलब जब मैं बैच मेरा एंड हो रहा था बैच का। सो उसके बाद फिर मेरा फ़ोन ऑफ हो गया और फिर मुझे एक जगह और सिखाने जाना था, महिला संगीत चल रहा है, तो वहाँ से हम और राजन जस्ट अभी आए। सो मैं वहाँ की कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और गाइज
बाकी आज मेरा बहुत मन था स्टूडियो प्रॉपर अच्छे से दिखाने का, स्टूडियो की छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताने का। बट कल अपन पूरा स्टूडियो का बहुत अच्छे टूर करेंगे, हर एक चीज़ बताएंगे स्टूडियो के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा मैं क्लास और स्टूडियो के बारे में। और काफ़ी ख़तरनाक दिन रहा आज, मतलब आज का दिन बहुत हार्ड रहा, मतलब आज मैंने काफ़ी टाइम बाद से ब्लॉगिंग स्टार्ट की और आज का दिन ही मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब स्वागत किया मेरा। पहला दिन ही बहुत हार्ड रहा गाइस, मतलब अभी 11:20 हो चुके हैं और भूख लग रही है बहुत तेज, और अभी तक तो मतलब अभी खाना खा पा रहे हैं गाइस, मतलब ये मैं 8 बजे खाना खाता हूँ। सो काफ़ी हार्ड रहा बट मज़ा आया, और अब मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूँगा, मैं गैप नहीं करूँगा। सो गाइस अभी खाना और खाते हैं, तो गाइस अभी खाना खाते हैं, देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया। तो गाइस देखिए खाने में अभी सोयाबीन की वरी और खिचड़ी और रोटी। सो खाते हैं स्पीड से। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, और गाइस काफ़ी रात हो चुकी है, देखिए 12:05 हो चुके हैं, तो नींद भी मुझे काफ़ी आ रही है। सो मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, सो मैं एडिटिंग करूँगा अभी, और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग बताओ आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको ढेर सारा प्यार दो, बाकी लाइक कमेंट शेयर अगर मन हो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।